रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजे की डिश लेके आई हूँ, चिकन गोभी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को नमक और सिरका लगा लेते हैं। एक खुले बर्तन में हम पानी को ऐड कर लेते हैं और इसमें हम 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून ही नमक ये ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम ये 650 ग्राम चिकन जिसको अच्छे से साफ और वॉश करके ये ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसे भी हमने चिकन को सिरका लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है ताकि चिकन बार दफा एकदम से सॉफ्ट और घुल सा जाता है ना, तो नमक और सिरका लगाने से ये एकदम से घुलेगा नहीं और ना ही सॉफ्ट होएगा। तो इसे भी हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन को सिरका और नमक लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो गए, तो अभी मैं इसे 4 से 5 पानी वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो अभी हम सेकेंड स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल जो कि गर्म हो चुका है, इसमें हम ये 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी ये ऐड कर लेते हैं। इसे हम कुछ देर फ्राई कर देते हैं। तो जीरा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 kg गोभी को साफ और अच्छे से वॉश करके दरमियाने पीसेस में काट लिया हुआ है, तो इसको हम फ्राई कर देते हैं। साथ ही हम क्रश्ड अदरक 2 टेबलस्पून ये ऐड कर लेते हैं। गोभी बादी होती है इसलिए अदरक का डालना बहुत ज़रूरी है। गोभी को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। बाद हमें गोभी साफ नहीं मिलती, इसमें कीड़ा वगैरह होता है, तो आप नमकीन पानी में हल्दी डालकर बॉयल कर लें। फिर आप बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर दें, इसमें गोभी को डाल दें 5 से 10 मिनट के लिए ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल सके। तो अभी हम गोभी को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो 2 से 3 मिनट हो गए हमें गोभी को फ्राई करते हुए, इसे अभी हम निकाल लेते हैं। तो अभी हम साथ ही चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे मैंने 1/2 कप ऑयल जो कि गर्म हो चुका है इसमें हम ये साबुत मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिए हैं 3 लौंग, 10 से 15 साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी, 2 तेज़पत्ते और 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची ग्रीन ये ऐड कर लेते हैं और इन्हें हम कुछ सेकंड भून लेते हैं। मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज जो स्लाइस में कटी हुई है ये ऐड कर लेते हैं। प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इसमें अभी हम ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर देते हैं, आंच को आपने मीडियम ही रखना है। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। अब हम चिकन को भून लेते हैं, जब 1/2 कलर का हो जाए तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया, इसका 1/2 कलर हो गया। अब हम इसमें कुछ गोल्डन मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 2 टीस्पून करी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक, 2.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून अजवाइन, इसे मैंने हाथ से क्रश करके रख लिया है, और 1 चिकन क्यूब ये ऐड कर लेते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और अजवाइन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम गोभी तैयार कर रहे हैं इसलिए अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। तो चिकन क्यूब अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अलग से होता है। इस वजह से थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। तो मसालों को हमने चिकन के साथ 4 से 5 मिनट भून लिया अच्छे से। अब हम इसमें 2 टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे, इसकी हमने प्यूरी बना के रखी हुई है, ये ऐड कर लेते हैं। आप टमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं। तो साथ ही हम ये 2 हरी मिर्च जो जिसके छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं ये ऐड कर लेते हैं और ये 4 टेबलस्पून मेल्टेड दही ये ऐड कर लेते हैं और इसे अभी हम 6 से 8 मिनट अच्छे से भून लेते हैं।
तो चिकन को भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गोभी ऐड कर लेते हैं जो हमने फ्राई करके रखी हुई है, और मसाले के साथ हम गोभी को 2 से 3 मिनट भून लेते हैं अच्छे से। गोभी को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, गोभी हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ये ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, और इसे हम ढक के पकाएंगे जब तक गोभी गल नहीं जाती। तो यहाँ पर गोभी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने इसको इतना ही गिलाना है। अभी हम इसमें जूलियन कटा हुआ अदरक और 3 हरी मिर्च साबुत, 4 से 5 टेबलस्पून बड़ी कटा हुआ धनिया ये ऐड कर लेते हैं, कुछ हम गार्निश के लिए रख लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा परफेक्ट चिकन गोभी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। आप इसे एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पराठे या फिर तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तैयार हुआ है। तो इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।